सो मैं रोज़ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखता हूँ एंड कुछ दिन पहले मुझे उज्ज्वल का चैनल टेक्नो गेमर्स मिला एंड मैं उसके गेमिंग वीडियोस को देखने से ज़्यादा उसके व्यूज़ देखने लगा। आई मीन उस बंदे को रोज़ 6 से 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो कुछ तो वो अलग कर रहा होगा ना जिससे लास्ट 6 महीने में इतनी ग्रोथ हुई। सो पिछले 30 दिन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडिविजुअल यूट्यूबर प्यूडीपाई को 224 मिलियन व्यूज़ एंड करीब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले एंड वहीं पर हमारे इंडिया में टेक्नो गेमर्स को 260 मिलियन व्यूज़ एंड करीब 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले। सो वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ इनसाइड द माइंड एंड आज हम लोग बात करने वाले कि कैसे टेक्नो गेमर्स इतने सारे व्यूज़ ला रहा है एंड उसको ऐसा क्या पता है यूट्यूब एल्गोरिथम के बारे में जो हमें नहीं पता। ओके सो उज्ज्वल मेनली 2 चैनल चलाता है। पहले तो उसका मेन चैनल टेक्नो गेमर्स है जिसमें 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड करीब 1.3 बिलियन व्यूज़ है एंड देन उसका सेकंड चैनल है जिसमें अराउंड 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड करीब 175 मिलियन व्यूज़ है। सो उज्ज्वल अपने कंटेंट को लेकर काफ़ी स्पेसिफिक है कि पहले चैनल पे एक्स कंटेंट जाएगा और सेकंड पे वाई कंटेंट जाएगा। लाइक जिनको रोल प्ले टाइप गेम देखना है वो मेन चैनल पे रह सकता है एंड जिनको बैटल ग्राउंड टाइप गेम्स देखना है वो जा सकता है सेकंड चैनल पे। अब मेन चैनल पे भी ऐसा नहीं है कि वो एक ही टाइप का कंटेंट पे अटका हुआ है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है एंड अपने कंटेंट में कुछ नया लाने की ट्राई कर रहा है। जहाँ गेमिंग कम्युनिटी में सब पबजी खेलने में लगे पड़े, टेक्नो गेमर्स कॉन्स्टेंटली दूसरे गेम्स लाइक GTA 5, माइनक्राफ्ट एंड गेटिंग ओवर इट खेल रहा है। वेल शुरू में तो पबजी खेल रहा था जिससे वो उसको थोड़ी सी ग्रोथ मिली, बट उसके बाद उस ऑडियंस को पकड़ के रखना है उनका अपने डेली व्यूअर्स बना देना सच में बहुत मुश्किल है, बट टेक्नो गेमर्स ने वो करके दिखाया है। अभी मेरे नज़र में एक परफेक्ट गेमर वही है जो हर गेम को ट्राई करता है, ना कि एक ही गेम के ऊपर टिका रहता है। वेल टेक्नो गेमर्स कॉन्स्टेंटली अच्छे गेम्स को ट्राई कर रहा है और उसको अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। आई होप वो दूसरे गेम्स को भी ट्राई करेगा ऐसे ही फ्यूचर में। अभी ये एल्गोरिथम वगैरह को साइड में रखते हैं, बात करते हैं टेक्नो गेमर्स के गेमिंग स्किल्स के बारे में। तो देखो, मानो या ना मानो, टेक्नो गेमर्स के गेमिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं एंड ऊपर से ही नेवर स्टॉप टॉकिंग। अभी ये कमेंट्री करने का एक नया स्टाइल है कि नेवर स्टॉप टॉकिंग। अब ये थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि या तो आपको ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी या फिर बोर होके चली जाएगी। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस स्टाइल से कमेंट्री करते हो, वो टोटली आपके टैलेंट के ऊपर है कि आप ऑडियंस को पकड़ के रख पाते हो या फिर नहीं। आपको पता ही है कि टेक्नो गेमर्स 40 से 50 मिनट का वीडियो अपलोड करता है हर बार, तो आपको लगता है कि ज़्यादा लेंथ मतलब ज़्यादा वॉच टाइम, बट आप गलत सोचते हो क्योंकि 50% से ज़्यादा ऑडियंस आपका वीडियो पूरा नहीं देखेगी अगर आप इतने बड़े वीडियो बनाते हो। बट टेक्नो गेमर्स ऐसा क्या करता है जिससे उसको इतना अच्छा ऑडियंस रिटेंशन मिल रही है? वेल, इसके पीछे थर्ड सक्सेस फैक्टर का हाथ है, बिल्डिंग टेंशन। टेक्नो गेमर्स जो भी व्यूज़ अभी ला रहा है उतने गेमिंग कम्युनिटी में किसी को भी नहीं मिल रहा। अभी तुम लोग कह सकते हो कि टेक्नो गेमर्स गुड आइडियाज़ ला रहा है, बट सिर्फ अच्छे आइडियाज़ से काम बनने नहीं वाला, उसको आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब दुनिया का कोई भी एल्गोरिथम ट्रिक यूज़ कर लो, लेकिन अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो अच्छे से अच्छे आइडियाज़ भी फेल हो जाएंगे। टेक्नो गेमर्स का हर वीडियो 40 से 50 मिनट की होती है एंड इसे एक मूवी की तरह समझो। कोई भी मूवी के बीच में बाथरूम नहीं जाना चाहता ताकि क्लाइमैक्स ना मिस कर दे। टेक्नो गेमर्स बस यही लॉजिक अपने वीडियो में यूज़ करता है। ही बिल्ड्स टेंशन थ्रू आउट द वीडियो कि कैसे क्या होगा एंड लास्ट में जाके वो बताता है कि क्या होता है। कुछ कुछ वीडियोस में तो वो सस्पेंस भी छोड़ देता है ताकि ऑडियंस मजबूर हो जाए नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। ये सेम स्ट्रैटेजी बाहर का एक यूट्यूबर ड्रीम यूज़ करता है अपने माइनक्राफ्ट वीडियोज़ के लिए, और इंडिया में टेक्नो गेमर्स इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है। इनके वीडियोस बिल्कुल एक IPL मैच की तरह होती है, लास्ट तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन जीतेगा। इनके वीडियोस ठीक इसलिए काफ़ी एडिक्टिव होती है एंड क्लिक ऑफ करना बहुत मुश्किल होती है। तो वीडियो लेंथ जितनी भी बड़ी होगी ऑडियंस पूरी देखती है एंड उज्ज्वल बीच में 15 से 16 एड्स भी लगा देता है जिससे रेवेन्यू और भी ज़्यादा आती है, और ऊपर से तो वो फैमिली कंटेंट बनाता ही है जो कि एडवर्टाइजर्स को बहुत पसंद है एंड रीच तो ऑब्वियसली डबल हो जाती है। तो ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि टेक्नो गेमर्स जैसे गेमर इंडिया में और भी आए एंड PC गेमिंग को और भी ज़्यादा एक्सपोजर दे, जिससे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में अच्छे से अच्छे ब्रांड्स आए एंड इन्वेस्ट करे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बगल में जो घंटा आएगा उसको भी दबा देना एंड मेरे को इंस्टा ट्विटर फेसबुक हर जगह फॉलो कर दो, ID आपको यहाँ पर दिख रही होगी तो जाके जल्दी से फॉलो कर दो। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
एरिया में फटके भी लगाते थे एक समय बनता है, अब बड़े हुए दिमाग से और लड़े बनता है, जिंदगी से और खुद के दम पे आज खड़े बनता है, बारहवीं तक शिक्षा लिया अच्छे से पढ़े बनता है, अंग्रेजी भी अपने हिसाब से ही चले बनता है, माँ बाप ने वो सब दिलाया जो 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 मांगता है, बड़ा गधा हुआ घर से पैसा काय को मांगता है, अगर शर्म नाम की चीजें तो फिर